आप सभी को दीपावली पर्व, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और यहाँ पार्टी ऑफिस में आपका अभिनंदन है। ये हिंदी चलचित्र में एक कहावत है, एक गाना है, क्या से क्या हो गया देखते देखते। वाकई अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखा जाए, अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो किस प्रकार से यूटर्न किया जाता है, आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। दिवाली लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है, और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यूटर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने विगत वर्षों में कहा था कि जहां राम मंदिर बन रहा है, जहां भव्य राम मंदिर बन रहा है, वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां तो अस्पताल बनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की वो वीडियो भी है, जनता उस वीडियो को देखे जिसमें केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं तो किसी भी कीमत पे उस राम मंदिर में आराधना करने, पूजा करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस राम मंदिर में पूजा जो है वो भगवान प्राप्त नहीं करेंगे, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी दादी के विषय में भी कहा था कि दादी बहुत नाराज थी कि वहां राम मंदिर बना था, और आज आप सोचिए कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने यू टर्न लिया है। ये वही अरविंद केजरीवाल जी है जिनके बहुत सारे मीम, जिनके बहुत सारे हिंदू विरोधी फोटो प्रसिद्ध हैं उनके ट्वीट में। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कभी भी दिवाली के अवसर पर या वैसे भी स्वस्तिक चिन्ह के बिना पूर्ण नहीं होती। दिवाली में जब हम दिवाली मनाते हैं तो स्वस्तिक चिन्ह बनाते हैं, स्वस्तिक चिन्ह को अंकित करते हैं, तब जाके ये पूजा पूर्ण होती है। इसी स्वस्तिक चिन्ह को झाड़ू से मारने का काम, इसी स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर झाड़ू चलाने का काम और स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर हंसने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट के माध्यम से किया था। वह ट्वीट भी आज जनता जनार्दन के सामने मौजूद है, पब्लिक डोमेन में है। आप देखिए, वही अरविंद केजरीवाल जी आज भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जिनके एक मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने आज से चंद हफ्तों पहले मां लक्ष्मी और गणेश जी के लिए जिस प्रकार की भद्दी बातें कही थी, जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कहा था, उपहास किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था, केजरीवाल जी आज वो MLA आपके यहां अभी भी बने हुए हैं। आपने उन्हें पार्टी से बर्खास्त नहीं किया है, केवल और केवल दिखाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ आई वॉश, आपने मंत्री पद से हटाया है। आज भी वो आपके एक बड़े नेता हैं, आज भी आपके पार्टी के MLA हैं। मां लक्ष्मी के खिलाफ और भगवान श्री गणेश के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की थी। इतना ही नहीं, ताहिर हुसैन और ऐसे अनेकों नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी की किटी में, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी में, जिनके कारण 85 लोगों को मौत के घाट उतारा गया नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगों में। किस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर प्रहार किया जाए, किस प्रकार उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंका जाए, किस प्रकार उन्हें मारा जाए, उनका नरसंहार हो, इसके रचयिता थे ताहिर हुसैन। आज भी जेल की सलाखों के पीछे बंद है और अचानक अरविंद केजरीवाल यहां पर स्वांग रचाने का काम कर रहे हैं। बंधुओं, याद करिए, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने सदन के अंदर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बने फिल्म पर जब सवाल उठा था तो ठहाके मार के हंस रहे थे और कह रहे थे ये तो झूठी कहानी है, किसी ने एक भी कश्मीरी पंडित का नरसंहार नहीं किया। कश्मीरी पंडितों को दिल्ली में नौकरी देने से इनकार करने वाले अरविंद केजरीवाल, कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर हंसने वाले अरविंद केजरीवाल, आज अचानक जो हिंदू बनने की चेष्टा कर रहे हैं, ये यू टर्न की पराकाष्ठा है। अगर सही मायने में देखा जाए तो केजरीवाल जी, आप जब दिवाली की पूजा कर रहे थे ना,
तो मां लक्ष्मी भी और भगवान श्री गणेश भी। ये जो आपने एक्साइज पॉलिसी में पैसा मारा है, आपके भाई आपके साथी मनीष सिसोदिया ने जिस प्रकार मोटा माल शराब माफिया के माध्यम से कमाया है, भगवान कभी माफ नहीं करेंगे, मां लक्ष्मी कभी माफ नहीं करेगी। इस प्रकार जो शराब में घोटाले करते हैं और गरीबों के पैसों का गबन करते हैं। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर मां लक्ष्मी और प्रभु श्री गणेश का, महादेव और राम का आशीर्वाद है। तभी तो जो हिंदुस्तान आर्थिक रूप से 11वें स्थान पे था आज से एक दशक पहले, आज वही हिंदुस्तान पूरे विश्व में 5वें नंबर की अर्थशक्ति है, 5वें नंबर की इकोनॉमी है। टुडे इंडिया स्टैंड्स टॉल इन द वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ इकोनॉमी। टुडे इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमिक कंट्री। टुडेज इंडिया ग्रोथ रेट शोज अ ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और केवल राजनेता ही नहीं कह रहे हैं, अगर सही मायने में देखा जाए तो विश्व पटल कह रही है कि विश्व भी अगर रेसेशन में चला जाए, और संभावना है कि विश्व रेसेशन में चला जाए, ग्लोबल रेसेशन हो जाए, किंतु लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो इनकी कृपा है और उनका जो परिश्रम है, उसके कारण भारतवर्ष कभी भी रेसेशन में नहीं जाएगा। निरंतर अपने परिश्रम के कारण, निरंतर अपने साधना के कारण हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर मां लक्ष्मी, प्रभु गणेश, भगवान श्री राम, महादेव की कृपा है, और तभी आज भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। जहां तक दिल्ली की अर्थव्यवस्था की कहानी है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस प्रकार से आपने एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी चलाया है, यह उचित नहीं है। 8 लाख रुपए का स्प्रे बनाते हैं पूसा इंस्टीट्यूट में, और 24 करोड़ रुपए उस स्प्रे के एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करते हैं, उसके प्रचार प्रसार में खर्च करते हैं, और आप ठीकरा लक्ष्मी गणेश जी पे फोड़ देते हैं कि हमारे देश पर मां के आशीर्वाद नहीं है। मां का आशीर्वाद सदैव था, है और रहेगा। अपनी नीयत को ठीक करना होगा। कहीं ना कहीं कम काम और ज्यादा दिखावा, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट, ये जो अर्थनीति आपने अपनाया है केजरीवाल जी, इसे आपको ठीक करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो पूछे। कोई बात नहीं, ये उनके पार्टी का आंतरिक विषय है। खड़गे जी आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, मगर आज भी हमने तस्वीरों में देखा, एक तरफ सोनिया जी और एक तरफ राहुल गांधी जी बैठे थे। खड़गे जी हैड नो लीवे, दोनों तरफ परिवार बैठा हुआ है, और है तो उनका आंतरिक विषय, मगर मैं तो इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। मगर खड़गे जी ने तो खुद ही कहा था कि अगर हम बकराईद में बचेंगे तो हम मुहर्रम में नाचेंगे। तो अब देखते हैं, हिमाचल और गुजरात के चुनाव आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को बलि का बकरा गुजरात और हिमाचल के चुनाव का मिल गया हो, और खड़गे जी को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्केप गोट के रूप में इस्तेमाल किया जाए, उनको एक तरह से बलि दे दी जाए। इसमें यह भी देखना है, बाकी ये हमारे पार्टी का विषय नहीं है, उनके पार्टी का विषय है, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।